नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हम सभी के इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर शर्मा संजीवनी होम्योपैथी। मैं हूं डॉक्टर विभूति शर्मा संजीवनी होम्योपैथी रायपुर छत्तीसगढ़ से। सियाटिका के लिए ये वीडियो है, लेकिन सियाटिका में भी एक विशेष प्रकार का सियाटिका, विशेष प्रकार का सियाटिका इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आमतौर पर ये आप लोगों को ध्यान नहीं होगा या आप लोगों ने कहीं नहीं पढ़ा होगा या इस बारे में आपने किसी भी तरह का कोई वीडियो नहीं देखा होगा, इसीलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये अलग तरह का सियाटिक पेन है। इसमें होता ये है कि एक होती है आपके पैर में फीमोरल नर्व जो होती है उसका यदि सियाटिक पेन, उसका यदि पेन हो रहा है या फीमोरल नर्व में पेन हो रहा है तो फीमोरल न्यूरोपैथी कहते हैं। और फीमोरल नर्व में डिस्फंक्शन हो जाता है, फीमोरल नर्व में पेन होता है, ये फीमर बोन के आसपास से आती है, इसकी ट्रिब्यूटरीज और ऊपर पेट पे भी जाती है और नीचे पैर की तरफ जाती है, थाइस के साइड से जाती है। ये नर्व में यदि इंजरी हो जाए या ये नर्व में पेन आ जाए तो हमें इसे कहा जाता है फीमोरल न्यूरोपैथी। मैं सियाटिका के बहुत सारे केसेस देख रहा था, तब अचानक से आज मेरे पास इस तरह का केस आया और मुझे लगा कि आपसे इस बारे में डिस्कस करना चाहिए कि फीमोरल न्यूरोपैथी यानी ऐसा सियाटिका जिसमें फीमोरल नर्व में दर्द हो, यानी दर्द आपका साइड से आए, पीछे से ना आए, दर्द साइड से आए और दर्द जैसे हम लोग पैंट पहनते हैं ना तो पैंट में जेब होती है, जेब के साइड से साइड में जो सिलाई होती है वहां से दर्द आए और दर्द आपको जाता है पैर में पिंडलियों तक, तो इसे बोला जाता है फीमोरल नर्व यहां से जाती है, फीमोरल न्यूरोपैथी। और एक और नाम दिया जाता है इस नर्व को, बोला जाता है एंटीरियर क्रूरल नर्व। तो एंटीरियर क्रूरल नर्व में, यहां मैं फोटो लगा कर दूंगा, एंटीरियर क्रूरल नर्व में यदि पेन हो रहा है सियाटिक पेन, क्योंकि ये है तो लंबर रीजन की नर्व, कमर वाली नर्व है और ये ओरिजिनेट भी होती है लंबर प्लेक्सस से, मतलब कमर के जो पीछे की जहां से आपकी नसें निकलती हैं, नर्व निकलती हैं, वहीं से ये भी निकलती है, लेकिन ये फीमोरल नर्व होती है। तो एंटीरियर क्रूरल नर्व में यदि पेन हो और स्पाइनल कॉर्ड के बैक वाले रीजन से आपके यहाँ से पेन चालू हो जाए और ये दर्द आपके एब्डोमेन की तरफ थोड़ा सा है, पेट की तरफ आए और थाइस की तरफ जाए, तो ये थोड़ा सोचने वाला है, थोड़ा सा स्पेसिफिक होता है। इस तरह का सियाटिका जो होता है थोड़ा स्पेसिफिक है, ज्यादातर जो सियाटिका के पेन होते हैं उसमें दर्द पीछे की तरफ ही जाता है, कमर में दर्द होता है, फिर आपके जेब की तरफ से पीछे की तरफ होते हुए जहां पे आप सिक्का रखते हैं या आपका पर्स होता है उस तरफ से होता हुआ राइट में या लेफ्ट में जाता है, लेकिन ये वाला साइड से जाता है, इसे एंटीरियर क्रूरल नर्व का सियाटिका कहते हैं या एंटीरियर क्रूरल नर्व में की न्यूरोपैथी कहा जाता है। अब इसकी कौन सी स्पेसिफिक दवा है, स्पेसिफिक मेडिसिन एंटीरियर क्रूरल नर्व के न्यूरोपैथी के लिए सबसे स्पेसिफिक जो ड्रग है वो है, चाहे वो राइट में हो चाहे लेफ्ट में हो, और इसमें बैठने में बहुत आराम लगता है पेशेंट को, सिटिंग से बहुत अच्छा लगता है और जैसे ही वो वॉक करना चालू करता है तो पैरों में सुन्नपन आ जाता है, पैरों में झुनझुनी होती है और बहुत ज्यादा इंटेंस पेन फील होता है। छोटे से वीडियो में मैं बता रहा हूँ, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है। दवाई का नाम नोट कीजिए, दवाई बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, ग्नाफिनियम, इसका पूरा नाम मैं बता रहा हूँ, ग्नाफिनियम पॉलीसिफेलम, इस ड्रग का नाम हम नीचे दे देंगे। ग्नाफिनियम पॉलीसिफेलम की 30 पोटेंसी आप दो बूंद दिन में 3 बार यूज करेंगे और फिर आप फर्क देखिएगा इस तरह के दर्द में जो मैं बता रहा हूँ, एंटीरियर क्रूरल नर्व का पेन यानी फीमोरल नर्व का पेन यानी फीमोरल न्यूरोपैथी यानी एक तरह का सियाटिका जिसमें दर्द आपके फुल पैंट की जहां सिलाई होती ना साइड बनी वहां से होता हुआ जाता हुआ महसूस होता है नीचे की तरफ और पिंडलियों तक जाता है। और ये बहुत स्पेसिफिक रेमेडी है इंटेंस सियाटिक पेन के लिए, जैसे रस्टॉक्स होती है, जैसे मैकफॉस होती है, जैसे कोलोसिंथ होती है, जैसे हाइपेरिकम होती है। रस्टॉक्स, कोलोसिंथ, मैकफॉस, हाइपेरिकम, ये 4 भी और दवाइयां हैं जो सियाटिका के पेन के लिए उपयोग होती है, लेकिन ग्नाफिनियम एक स्पेसिफिक रेमेडी है।
अब पेट की तकलीफें भी यानी एब्डोमिनल कॉलिक वगैरह भी एकदम वैसा ही होता है इसमें जैसे कोलोसिंथ में होता है। साथ में इसे इसमें लूज मोशन और डायरिया भी बहुत कॉमन है, तो इसीलिए मैं ये नाफिनियम को स्टडी कर रहा था, तो मुझे लगा कि मैं आपको ये बताऊं। और ज्वाइंट पेन के साथ जो लंबर पेन होता है, रूमेटिज्म है, ये भी ग्नाफिलियम में बहुत स्पेसिफिक दिया हुआ है। तो ग्नाफिलियम आपको यूज करनी चाहिए। इसका पेन अल्टरनेट पेन आता है, नंबनेस के साथ अल्टरनेट होता है, कभी झुंझुनी आती है कभी नहीं आती, कब जब झुंझुनी आती तब पेन नहीं होता, लेकिन जब पेन बहुत ज्यादा होता है झुंझुनी नहीं मिलने वाली, बहुत तेज पेन लगातार नहीं बना रहता है, कभी आता है कभी चला जाता है। तो ग्नाफिनियम पॉलीसिफेलम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्रग है, इसके बारे में मैंने कुछ वीडियोस में आपको बताया हुआ है, लेकिन बहुत स्पेसिफिकली इसमें नहीं बताया था, आज ये बहुत स्पेसिफिक तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ग्नाफिलियम पॉलीसिफेलम को जरूर यूज कीजिएगा और फर्क देखिएगा, इस तरह के पेन में जो राइट साइड या लेफ्ट साइड में कहीं भी हो, दर्द ऐसा होता है जो आपके फुल पैंट की जो सिलाई है राइट साइड लेफ्ट साइड की बाहर की तरफ, पैरों में किनारों की तरफ, मतलब जैसे हम लेटरली बोलते हैं, मीडियली ना बोलते, लेटरली बोलते हैं, लेटरल साइड की सिलाई में, मतलब ये इस साइड से दर्द होता हुआ जाएगा या इस साइड से जाएगा, दर्द पीछे नहीं जाएगा साइड से जाएगा। तो ये है ग्नाफिलियम का सिम्टम, और ग्नाफिलियम की जो मोडलिटी है वो चलने पे इनको तकलीफ बहुत ज्यादा होती है, रेस्ट जैसे करते हैं या ये बैठ गए चेयर पे, इन्हें बहुत रिलीफ मिलता है क्योंकि नर्व कंप्रेशन कम हो जाता है, बॉडी रेस्ट पे चली जाती है। और क्रोनिक मस्कुलर रूमेटिज्म हो, बैक में हो, नेक पे हो, सारे ज्वाइंट में जहां नर्व का इन्वॉल्वमेंट है, न्यूरोलॉजिकल लेवल पे जहां पे भी इन्वॉल्वमेंट है, ग्नाफिलियम हाइपेरिकम और कोलोसिंथ मैकफॉस रस्टॉक्स इस तरह से यूज होती है। लेकिन बहुत ही स्पेसिफिक ड्रग, बहुत इंटेंस पेन, बहुत तेज दर्द। और एक और चीज ग्नाफिलियम के साथ है जो बता देता हूं मैं, डिसमिनोरिया, महामारी के दौरान भी बहुत तेज यदि पेन होता है तो ग्नाफिलियम बहुत अच्छी पेन किलर है। आशा है बहुत काम आएगा ये वीडियो आपको और आप प्रैक्टिकली ग्नाफिलियम को यूज कर पाएंगे, चाहे आप होम्योपैथी के स्टूडेंट हो, डॉक्टर हो, या होम्योपैथी को पसंद करते हो, या लेमैन हो जिन्हें कुछ भी नहीं मालूम है, वो भी यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छी ड्रग है। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा, बहुत काम की जानकारियां आ रही हैं और आने वाली हैं। जय हिंद, जय भारत।